हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकाले थे इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन को टैप करके वहां से आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो सिग्मा बॉन्ड निकालने का जो फॉर्मूला है, ट्रिक है, वो हमारे पास है एक्स प्लस वाई। ओके, जो हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में किया था वो क्या था, एक्स प्लस वाई माइनस वन था, कि हमने वन हमेशा माइनस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो वाई था हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ अदर एटम्स। ओके, और पाई जो है, पाई बॉन्ड्स निकालने की जो ट्रिक है, वो फॉर्मूला हमारे पास है, वो है 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। वहां पे क्या किया था हमने हाइड्रोकार्बन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में, यहाँ पे प्लस वन किया था, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इसमें क्या है, एक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, वाई क्या है, अदर एटम्स है। ओके, जैसे हम इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास है C6H6। ये हमें पता है ये क्या होता है, हमारे पास बेंजीन होता है, और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऐसा। ओके, ये बेंजीन है, इसमें हमने डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने, फाइंड आउट करने। तो कैसे करने हैं, फॉर्मूला यही यूज करते हैं हम सिग्मा वाला। तो सिग्मा क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई। ओके, यहां पर कितने कार्बन है हमारे पास, सिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन हम एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन, और वो कितने हैं, सिक्स। तो सिक्स, फिर हमने क्या करना है, प्लस करना है फिर हमने। ओके, फिर वाई क्या हमारे पास, नंबर ऑफ अदर एटम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ अदर एटम्स कार्बन को छोड़कर कितने हमारे पास, हाइड्रोजन है, और कितने हैं, सिक्स हैं। तो सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 12 हमारे पास क्या आगे, सिग्मा बोन आगे इन बेंजीन में। ओके, और पाई बोन हम अब पाई बोन निकालते हैं। वैसे भी हमें पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है सिंपल, अगर देखा जाए रेजोनेटिंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x को करना है, x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 हैं। सो 2 इंटू 6 माइनस अदर एटम्स कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2। सो 6 टू 12, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 6 बाय 2, डेट इज 3। तो हमारे पास पाई बॉन्ड कितने आए, 3, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 12। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास साइक्लोपेंटेन, ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन होता है। ओके, यहां पे हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन एटम है, और हर कार्बन एटम्स के में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो मतलब पाई इज इक्वल टू सिंपल 0 ही हो गया। ओके, सेकंड सिग्मा, अगर आपको स्ट्रक्चर देखने से ही पता लग रहा है कि उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो आप सीधा ही 0 लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाय चांस मॉलिक्यूल काफी बड़ा है, कंडेंस्ड मॉलिक्यूल हमारे पास, और हमें पता नहीं है कि उसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे या सिंगल बॉन्ड कितने होंगे, तो ये हमारे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको सीधा, अगर स्ट्रक्चर से पता लग रहा है तो आप सीधा लिख दो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड निकाल लें हमने, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x प्लस वाई, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, 5। सो कार्बन एटम्स 5 हो गए प्लस, और हर कार्बन के साथ कितने अटैच्ड हैं हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे हर कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो कितने हमारे पास, 5 कार्बन एटम्स हैं, और हर कार्बन के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ओके, तो 5 × 2 = 10, तो हमारे पास 2 जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास कितने हो गए, 10 अदर एटम्स। ओके, तो हमारे पास कितना आया सिग्मा बॉन्ड, 15। तो यहाँ पे 15 के हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारे पास ये हमारी साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें हमने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालने हैं। तो यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा, तो सिंपल हमने क्या लिखना है, पाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा। अब सिग्मा कैलकुलेट करते हैं, अब कितने सारे बॉन्ड्स हमें हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना, फॉर्मूला ही अप्लाई करना। तो यहाँ पे हर कॉर्नर पे कार्बन एटम्स हैं। ओके, तो 6 तो यही हो गए, 2, 4, 5 एंड 6,
7, 8, 9 and 10। तो हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 10 हो गया, प्लस अदर एटम्स यहाँ पे कितने होंगे, हाइड्रोजन ही होंगे, वो कितने हो गए हमारे पास, वो हमारे पास है 18। तो नंबर ऑफ अदर एटम्स कितने हैं, 18। यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि हर कार्बन के पास कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो टोटल कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास y आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया तो टोटल आ जाएगा 18। तो टोटल हमारे पास 18 प्लस 10 कितना आ गया, 28 सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है टोलुइन। टोलुइन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्या होता है, अटैच्ड CH3 मिथाइल ग्रुप। तो इसमें हमने नंबर ऑफ पाई एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालने हैं। यहाँ पे तो सिंपली हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3। तो 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। और सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा बॉन्ड कैसे, वही x प्लस वाई वाला फॉर्मूला हमने लगाना है, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, एक तो ये हो गया और 6 यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, 6 कार्बन प्लस दिस कार्बन दैट इज 6 + 1 7 कार्बन प्लस अदर एटम्स यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। तो काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे, 3 ये हाइड्रोजन है और हर कार्बन के पास कितने हैं, 1 हाइड्रोजन एटम है, बिकॉज डबल बॉन्ड आ गया ना। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड था। तो हर कार्बन एटम्स के पास कितना था, 2 हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो हर कार्बन के पास ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इस ये वाला कार्बन तो ये वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो 5 हाइड्रोजन ये हो गए, 5 + 3 हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 15। तो 15 इस मॉलिक्यूल में, टोलिन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई, हमारे पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ओके, मतलब वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो उसके लिए नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे निकालने हैं, तो वो देखो कैसे निकालने हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन के साथ COOH ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है। तो यहाँ पे अगर हमने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निकालने तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड में और सिग्मा बॉन्ड में कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही रहेगा बट पाई बॉन्ड में अगर हमने कैलकुलेट करने हैं पाई बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले सिग्मा बॉन्ड हम कैलकुलेट करते हैं फिर पाई निकालते हैं। सिग्मा के लिए सिंपल वही क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वाई, x क्या था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड y क्या था अदर एटम्स। तो हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 है प्लस अदर एटम्स, कार्बन को छोड़कर जो अदर एटम्स कितने हैं वो हमारे पास 1। अब हमने ऑक्सीजन भी काउंट करना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पे हाइड्रोजन 1 है ना ओनली, सो 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7, 8। सो 7 + 8 = 15 हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है इसमें का बेंजोइक एसिड में। और पाई जो है हमारे पास, अब हमने पाई बॉन्ड निकालना है, पाई बॉन्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, 2x - y / 2। अब जब हमने कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें अगर हमने पाई बॉन्ड निकालने हैं तो उसमें क्या है कि वाई की वैल्यू में ऑक्सीजन की एटम्स को काउंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तो काउंट किया था हमने, यहाँ पे पाई बॉन्ड के केस में हमने काउंट नहीं करना ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे तो 2 × हमारे पास एक्स क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे, 7 है, माइनस यहाँ पे वाई कितना था हमारे पास, यहाँ पे हमने कितना लिया था, 8। मैंने अभी बताया कि 8 कैसे आया था, 2 ऑक्सीजन को ऐड करके आया था। अब हमने 2 ऑक्सीजन नहीं लेने हैं तो कितना हो गया हमारे पास वाई, 6 / 2। तो 7 × 2 = 14, 14 - 6 / 2 = 8/2, कैंसिल आउट करके 4। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 4 हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 15। हम कैसे 4 कैसे हैं, 3 तो यही है, ठीक है। और इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, खोलते हैं इस मॉलिक्यूल तो यही बनेगा ऐसा। तो यहां पे डबल बॉन्ड कितने हमारे पास, 4 है। ओके,
तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 4 है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास 15 है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे ये हमारा है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई। यहां पे 6 हमारे पास क्या है, कार्बन एटम्स हैं इस बेंजीन रिंग में, और ये 7th कार्बन, दैट इज 7x हो गया, x इज इक्वल टू 7 प्लस y क्या है अदर एटम्स, इसमें फिर ऑक्सीजन काउंट करना है। हमेशा याद रखना है कि जब हमने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने है तो ऑक्सीजन हमने लेना है, ठीक है, काउंट में। तो यहां पे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन है, 6, 5 ये हाइड्रोजन हो गए, और ये 1 हो गया 6 हाइड्रोजन, और ये 7। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 7, सो 7 प्लस 7 14 हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड्स है। अब पाई बॉन्ड्स, पाई इज इक्वल टू क्या है 2x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, सो 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 7। अब हमने ऑक्सीजन काउंट नहीं करना है, दैट इज यहां पे ओनली 1 ऑक्सीजन है तो काउंट नहीं करना, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पहले y कितना था 7, ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था। अब हमारे पास ऑक्सीजन को हम टेक नहीं कर रहे हैं तो यहां पे कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, सो 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8 बाय 2 दैट इज 4। तो इस मॉलिक्यूल में भी क्या है 4 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं, खोलते हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूल जिसमें 4 क्या है पाई बॉन्ड्स हैं, और क्या हमारे पास सिग्मा 14, और हमारे पास 14 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सो आई होप ये ट्रिक आपको काफी आसान और समझ आई होगी। तो ऐसी ही ट्रिक इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।